अमृतसर की महल चौकी के अधीन आती गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जिम्नेशियम हॉल, जहां एक कोच की तरफ से जिम्नेशियम के विद्यार्थी दूसरे एथलीट के साथ मिलकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें जिमने जिम कोच की तरफ से की गई मारपीट के चलते जसप्रीत नामक इस एमसीए के विद्यार्थी की नाक की हड्डी व काफी चोटें लगी हैं, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गार्ड नायब सिंह का बेटा है। उसका इलाज अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में चल रहा है। सर, मेरा नाम जसप्रीत सिंह, मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हाँ सर, लास्ट ईयर एमसीए था सर। हाँ जी सर, कोच ने सर साढ़े नाल पता नहीं क्यों सर उन्होंने की प्रॉब्लम सी, जो उन्होंने बड़ा किया सर कोचिंग लैब तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स रल के सर मैंने सर गाला कटिया सर, मैंने मेरा पास पड़ है सर, तो अपने स्टूडेंट्स रल के सर मैंने कुटिया सर, जिन्हों को मैं सर बिल्कुल मेरे लेक च भी रहा सर, मैं उन्होंने जानता तक नहीं है सर। तो बाकी ने सर कोचिस ने जो साइकिलिंग फुटबॉल वगैरह के सर, उन्होंने भी बाद में आके सर सा कोई साथ नहीं दिता, उन्होंने शहर ना सर दोबारा फिर मैंने कुटा गया सर बाहर में, तो मेरा फूड खोया गया सर। कितने जने सी टोटल सर? जो सर जो उन्होंने स्टूडेंट थे 6-7 के नाल तो सर, मैं हूँ मैं बाद में कन्फर्म होया सर 6-7 जने तो सके सर, वो तो बाकी होर भी मुंडे थे सर। मारा की नौ सर की मारा मुझे तो सर वो जुडो कराटे वाले थे सर, उन्होंने मुक्के मक्के मारे हो गए सर। हाँ जी, कार्रवाई सर की गई है सर, अपने बाला चौकी सर अपनी कंप्लेट वगैरह दी गई है, पर सर उतो सू कोई एडा रिस्पोंस चंगा नहीं मिले सर। की मांग की करते बाकी सर हिसाब की करते सर, जो हो सकता सस्पेंड कर सर उन्होंने सर, क्योंकि सर मेरा अब परमानेंटली सर मैं हो गया सर डिसेबल हो गया सर, मेरा मेडिकल आर्मी का सर मैं टेस्ट तैयारी कर रहा सर, 2-3 बार क्लीयर किया सर मैं आर्मी का, फ्यूचर करता सर खत्म मेरा सर, मेडिकल पै गया सर रोज के सर, मैं डिस्पेंस के जा ही नहीं सकता सर, मेरा फ्यूचर खराब करता सर। हाँ जी सर, की मसला जो कोच ने मुंडा कुटिया जी? मसला इस तरह है कि उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर एक जिमनेजियम हाल है, वो कोई वो को पास बनया लड़के को, लड़का वैसे अंदर का ही रहने वाला, वो जिमनेजियम हाल के अंदर तो कुछ उन्होंने आपस के कह सुनी हुई है, जो तकरार होया उत्थे उन्हों का झगड़ा होया, उत्थे ही जो भी एक दूजे की मारकटाई हुई, वो लड़का जसप्रीत सिंह नायब सिंह का लड़का है, जो नायब सिंह वह भी अंदर सिक्योरिटी गार्ड ही है लग्या होया, तो लड़के जसप्रीत सिंह के नक्क से सट लगी, साढ़े को आया 30 तरीक न करीब 9 बजे रात आया सी, उसनू असी फिर मौके पर डाकट देता सी, उस तो बाद सिविल हॉस्पिटल गया, सिविल हॉस्पिटल तो अपना MLR वगैरह। की नाम है जी? मेरा नाम नायब सिंह है जी, असं बठिंडे के रहने वाले हैं, लेकिन आने जाओ भी सारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के परमानेंट। की पूरा मामला की है? पूरा मामला जी, बच्चा मेरा इतने स्टूडेंट आ और पहले ने BCA करी है, हमें MCA कर रहा और डिपार्टमेंट की तरफ से ये गेम करता गा, और जो भी गेम करता है पहले नंबर पर आता, और ये को वाइस चांसलर के प्राइज भी है, और ये डिपार्टमेंट वालों भी इनू काफ़ी प्रशंसा होती है। गल ये सर, इनू किसी मैनू तो यही जो कह रहा मैं दस रहा, लेकिन मैं अखी नहीं देखा इनू काफ़ी बार, कोच ने कहा भी तू मेरे को आके गेम कर, ये बोलता सर मैं आर्मी के अफसर वास्ते तैयारी कर रहा गा, लेकिन भी मैनू वैसे शौक है तो मैं ग्राउंड आ जाता, तो उस तो बाद 30 तरीक कित चला गया ग्राउंड च, तो इन्हों बुलाया उन्होंने कोच हरमीत सिंह ने, और मैं ऑन ड्यूटी सी भाई गुरदास लाइब्रेरी शाम 7:30 की गल आ, और उन्होंने जो इन्हों बुलाया एक लड़का ये नाल सीगा गगन, ये लड़का नाल गगनदीप सिंह पूरी की गल की हुई सर? गल की मुंडे ने कार्ड विखाया, कोच ने आवाज दी, कोच ने आवाज़ दी, मुंडे ने कार्ड विखाया, कहता कार्ड विखा अपना, उन्होंने कार्ड नहीं वेखा, कार्ड पाड़ के सीधा अपने बच्चों ने दिता, कहना डस्टबिन से सुटिया, इन्होंने कहा सर कार्ड कद तो पाड़िया, कहते तू साला लादा कार्ड का, कहते आज तो सुटिया जाता तो खेडन, तो जो कहा सर कहते गलत ना बोलो, मतलब अभी तुम गल थोड़ी कटी, पहला पैर ही हथ लाया मुंडे ने जाते हैं, 15 के 15 जने गल पै गए, कहते तू मैट से पैर रखा, जिते इन्ने मुंडे तो प्रैक्टिस करते हैं उसे पैर लग गया की हो गया, तो 15 के 15 इन्हें मुंडे गल पै गए, उन्हें हड्डी मतलब मुक्का मारिया। जी वीडियो वायरल हो रही है? हाँ जी, ऐसे झगड़े थी मतलब वीडियो। मांग की करते कंप्लेट वगैरह लगाई है? हाँ जी कंप्लेट लगाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ओपनिंग कार्ड मतलब बैन गए हैं उसे सिविल हॉस्पिटल, पर नहीं उन्होंने किया, 4-5 दिन हो गए, 15-20 जने मुंडे, 4 कोच ही पढ़ते नहीं, मतलब स्टडी में बाहर था, मतलब मेरे पापा ड्यूटी करते थे।